सो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं ओखला। तो ओखला की भाई नमकीन भाई मैं क्या ही बताऊं आपको, इतनी फेमस है। मैं जब भी वापस आता हूं, क्योंकि जाते वक्त तो भाई हम नमकीन खाएंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वेटेड होती है, क्योंकि 1.5 किलो का पैकेट आप लाते हैं फैमिली के लिए। तो मैं जब वापस आऊँगा तो यहाँ पर से पक्का नमकीन लूँगा गाइस। तो ओखला की मार्केट में भी अपने आप में ही काफ़ी ज़बरदस्त है, यूनिक है आप कह सकते हैं। छोटी सी मार्केट है बट आप जब भी इस रूट से गुजरेंगे तो आप खाना खाने के लिए रुक सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी टेस्टी खाना बनता है। और नमकीन तो खैर यहाँ पर की फेमस है पूरे उत्तराखंड में, शायद अदर कंट्री के लोग भी जानते ही होंगे कि भाई ओखला की जो नमकीन है तारीफ़ है, काबिल नमकीन है वो। क्योंकि गाइस इनकी नमकीन में एक बात ही है कि ये खुद ही बनाते हैं, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं, खुद का बना के एक्सपोर्ट करते हैं। तो टेस्ट काफ़ी लाजवाब है इनकी नमकीन का। मैं जब भी वापस आता हूँ इस रूट से तो घर के लिए मैं नमकीन का पैकेट ज़रूर ले जाता हूँ दोस्तों। मुझे याद है एक टाइम क्या था कि मैं अपने दोस्त के साथ आया था कार पे, तो उनकी कार चलती है, तो दोस्त के साथ जब मैं कार पे आया था तो लगभग 2 या 3 कार आई थी ऑल्टो कार। तो हमने ओखला में गाड़ी रोकी थी, खाना वाना खाया था और नमकीन खाई थी, और घर के लिए भी हम नमकीन ले गए थे। तो तब से ये नमकीन मेरी फेवरेट हो चुकी है, मतलब ये मान के चलिए आप, तब से मुझे लगता है कि यार इस रोड में अगर हम कभी आए जाएं, कभी यात्रा करें तो नमकीन पक्का ले जाएं, क्योंकि एक अलग सा फ्लेवर आता है इस नमकीन में। तो काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग मैं आपको बताऊं तो 2011 या 12 की बात होगी दोस्तों, जब हम कार पे यहाँ आए थे घूमने के लिए। जॉर्जी में मेला लगा था उस टाइम भी, तो लगभग 10 से 12 आदमी थे हम, और शायद 3 ऑल्टो कार थी। काफ़ी मज़ा किया था हमने, जॉर्जी में मेला घूमे थे हम, और काफ़ी जैकेट वगैरह भी हमने ली थी, मुझे याद है अच्छी तरह। तो खाना हमने यहीं पर ही खाया था ओखला में, क्योंकि ओखला में भाई खाना काफ़ी टेस्टी बनता है, मज़ा आता है यहाँ पर खाना खाने में। आप देख रहे हैं जितने भी ढाबे दिख रहे हैं रोड के किनारे, यहाँ पर आप रुक के खाना वाना खा सकते हैं। तो यहीं पर ही खाया था हमने खाना गाइस, जो आप रोड के किनारे दिख रहे हैं, और काफ़ी मज़ा भी आया था मुझे खाना खाने में। तो ये रही ओखला की मार्केट, आप देख सकते हैं। छोटी सी मार्केट है लेकिन मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर खाना वाना खाने में, कोई दिक्कत नहीं होती है, खाना भी टेस्टी बनाते हैं और रेट वगैरह भी ठीक ठाक ही रहते हैं। ये नहीं कि मतलब आपसे रेट ये ज़्यादा कहेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे ये चीज़ एक बेस्ट लगी मतलब ओखला में। बाकी जॉलजी भी बचाया गया है यहाँ पर से 21 किलोमीटर, और धारचूला बचाया यहाँ पर से 50 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि भाई टाइम से हम घर से निकले तो अब हम टाइम से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच भी रहे हैं। क्योंकि गाइस होता क्या है कि अगर हम घर से ही देर से निकलेंगे तो सीधी सी बात है हम मंजिल में भी देर से ही पहुंचेंगे। तो 7:30 बजे आज हम वड्डा से निकले थे, हमने नाश्ता भी नहीं किया था गाइस, तो नाश्ता हमने पीछे कर ही दिया था, आपको मैंने दिखाई दिया था पिछले वीडियो में। तो नाश्ता वास्ता जब वहाँ पर हमने किया तो काफ़ी हमें अच्छा भी लगा, हमने थोड़ी बहुत धूप भी सेकी, और उसके बाद हम आगे को बढ़ गए। तो अभी क्या है कि 21-22 किलोमीटर जॉलजी भी यहाँ से बचा हुआ है, तो हम अगर आराम से भी जाएंगे व्यू को कैप्चर करते हुए, जहाँ पर भी हमें लगता है कि भैया अच्छी वीडियोग्राफी बन सकती है, यहाँ पर अच्छा व्यू आ सकता है, अच्छा व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पर हम रुकेंगे, फ़ोटो खींचेंगे थंबनेल के लिए, और बस घूमते घामते हम जॉर्ज भी पहुँच जाएंगे।
तो जल्दी घर से निकलने का फ़ायदा यही है दोस्तों कि आप मंजिल में भी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अंकु तो कह रहा था कि 10-11 बजे चलेंगे आराम से नाश्ता वास्ता करके। मैंने कहा नहीं यार, फिर होता क्या ना दोस्तों, नाश्ता वास्ता करके अगर हम निकलेंगे तो फिर मतलब शरीर का वेट भी बढ़ जाता है, तो मतलब एक फुर्ती सी नहीं रहती है। नहीं तो सवेरे होता क्या है कि बॉडी में एक फुर्ती भी रहती है, ताजगी रहती है। तो सवेरे उठ के मैंने सबसे पहले आज नहाया और उसके बाद बाइक तो मैंने खैर चेक करा ही दी थी, आपने देख लिया होगा पिछले वीडियो में। तो उसके बाद फिर सीधे मैं गया पेट्रोल पंप पिथौरागढ़, वहाँ से मैंने डाला तेल, और तेल डालने के बाद सीधे मैं लग गया था जौल जीबी के रास्ते। तो टाइम से आप तभी पहुँचेंगे जब टाइम से आप घर से निकलेंगे। तो ठीक है फिर दोस्तों, हम भी लेते हैं व्यू के मज़े और आप लीजिए वीडियो के मज़े। तो ठीक है फिर, बने रहिए वीडियो में। जरा दिखाओ भूख से शक्ल कैसी होती है, जरा दिखाओ। सब गाइस देख सकते हैं इसको लग गई है भूख और बंदा यहाँ पर खा रहा है दाल चावल। कैसा लग रहा है, मज़ा रहा है ना दोस्तों? इसने खाना आखिर खा ही लिया। एक नंबर का भुक्कड़ है यार ये। भूख लगी है यार, थोड़ा खा भी सकते हो आप दोस्तों। मैंने इसे कहा था कि जल्दी भी पहुँचेंगे फिर खाएंगे मिले यार, एक बनने वाला है यार भूख लगती है। बट इसके पेट में जो है कि घंटी है ना भूख की, वो बज चुकी है मुझे लग रहा है। पेट भर खाना आप। खाओ खाओ आप, खाओ पेट भर खाओ आराम से। देख ही सकते हैं अंकु द्वारा यहाँ पर हाथ मुंह। तो भैया इसको खाना खाते खाते इतना स्वादिष्ट लग गया थी भैया, ये दो थाली के बदले 4 थाली खा गया। अंकु कैसा लगा था खाना आपको? बढ़िया लगा है। तो अभी तो रहे ये हाथ मुँह, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सीधे जौल जीबी। तो आप देख ही सकते हैं ये रही जौल जीबी की रोड, ये ढाबा जहाँ पर हमने खाना खाया। गाइस इतना बेस्ट खाना बनाया था इन्होंने कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप जौल जीबी आ रहे हैं तो यहाँ पर पक्का रुकना। जौल जीबी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ही हो जाती है, ठीक है ना? तो ये देख सकते हैं आप, अब जगह का भैया जो नाम है वो तो मेरे को पता नहीं है, बट जौल जीबी कहते हैं इसको क्योंकि 2 किलोमीटर पीछे है जौल जीबी से। तो इस बैंड के पीछे ये वाला ढाबा है, यहाँ पर आप आइए खाना खाइए, बिल्कुल घर की जैसी फीलिंग आएगी आपको। और भैया यहाँ पर बहुत बेस्ट खाना बनाते हैं, तो जो खाना बनाते हैं वो बैठे हैं ये वाले हैं भैया, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो। मज़ा आ गया खाना ठीक लगा भैया? तो भैया एक बार बताओ आप तो भैया 4 थाली खा गए, मतलब है भूख तो भयंकर लगी थी। है अभी हाथ में क्यों धोया फिर आपने? थोड़ा सिर दर्द होती है, मैंने कहा धो लेता हूं ज्यादा खाना खाने से। धूल लक्कड़ से, धूल लक्कड़ से।
तो देखा दोस्तों, मैं यहाँ क्यों आता हूँ गाइस, मैं आपको रियली बताना चाहूँगा कि एक सुकून सा लगता है यार कि हमारे उत्तराखंड में भी इतनी ब्यूटीफुल जगह हैं और हम क्यों ना आए यार। अगर देश विदेश से यहाँ दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे फ्रेंड्स को मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि यार आप समझो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, कि हम शांति की खोज में, यानी कि मन में जो उथल पुथल होता है ना, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, हम अपनी मन की शांति के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि यार उत्तराखंड में, हमारी देवभूमि में ऐसी कई जगह विराजमान है जहाँ हम जाएं और अपने आप को पहचानें कि हमने क्या करना है, क्या खोना है, क्या पाना है, आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब हम कहते हैं दोस्तों कि कर्म प्रधान समाज होता है, एग्जैक्टली आपकी थिंकिंग राइट है, बट क्या हम अपने आप को उस चीज़ में डालते हैं? नहीं, क्योंकि हम एक बंधन में बच चुके हैं। बंधन ऐसा है कि हम जकड़े हुए हैं और हमें फील ही नहीं होता है कि हम मतलब एक मनुष्य हैं, एक इंसान की लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों कभी कभी लाइफ में अपने आप को आज़ाद करने की सोचो आप। आज़ाद आप तभी कर सकते हो जब आप सारे बंधनों को तोड़ के अपने मन की सुनो, और अपने मन की जब सुनोगे आप तो आपको ये फील होगा, आपकी आत्मा ये कहेगी आपसे कि भाई तू जा कहीं, घूम कहीं, फिर और अपने आप से मुलाकात कर। दोस्तों मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे ये लगता है कि साल में कम से कम, जैसे कि आपको पता है कि साल में 365 दिन होते हैं, बट 365 दिन जो होते हैं साल के, अगर मुझे चांस मिले मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं साल के 365 दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेवलिंग ही करूँ, घूमूं फिरूँ, अपने आप से दोस्ती करूँ और पहचानूँ अपनी गलतियों को और देखूँ ऊपर वाले की बनाई हुई इस दुनिया को इस दुनिया को। ये रहा अपना भाई, और हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी चट्टान है ये। ओ भाई साहब, ये मेरे को सबसे अच्छा व्यू यहाँ पर का ये लगा कि एक चट्टान ये रही और दूसरी रही इससे बड़ी, आप देख सकते हैं। और गाइस, इसके बीचों बीच है अपनी रोड। इस रोड से हम जाएंगे सीधे कहाँ, जौलजीबी। और जौलजीबी का मेला जो लगा है आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है संगम गोरी नदी और काली नदी का, तो यहाँ पर हमें भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ओ भाई साहब क्या ही कहूँ, जो नेपाल की रोड मुझे नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये है नेपाल की रोड, क्योंकि जहाँ पर मेला लगा है वहाँ पर पुल है। इस साइड हो गया अपना भारत और ये हो गया अपना नेपाल, मित्र देश। तो जो आप ये वाली श्रृंखला देख रहे हैं, ये है नेपाल की, ये जो रोड देख रहे हैं आप कच्ची, ये नेपाल की रोड है। और जो ये पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं दोस्तों, और जो आप ये घर देख रहे हैं मिट्टी के बने हुए, पहाड़ी भाषा में कहूँ तो पखवाल घर कुनानी, ठीक चाहिए, तो ये हैं नेपाल में। तो आप कह सकते हैं कि ये नेपाल हो गया, ये हो गई अपनी काली नदी, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हो गया अपना इंडिया। तो जौलजीबी मेला लगता है संगम में, गोरी और काली नदी के संगम में और बॉर्डर में, क्योंकि ये रहा नेपाल और ये रहा इंडिया, बीच में रखता है मेला, जहाँ में भी जा रहे हैं।